आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि लेट अल्फा बी द एरिया ऑफ द लार्जर रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के बराबर दे रखा है एंड द लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू 2 विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा इज। अपने के पास क्या कह रहा है कि अल्फा अपने के पास वो एरिया है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होगा वो अपने के पास यहाँ पर फिल हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले अपने के पास लाइन क्या, ये पैराबोला क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये एक कर्व है। वाई इक्वल टू अपने के पास दूसरी लाइन है x के बराबर, तीसरी अपने के पास क्या है वाई एक्स इक्वल टू 2 के बराबर बराबर। अब अपने के पास क्या कह रहा है कि इससे जो एरिया आ रहे हैं उसका लार्जर एरिया अपने के पास अल्फा के बराबर दे रखा है, तो उसमें 3 अल्फा बताने हैं। ठीक है, इसे बाउंडेड अपने के पास रीजन सबसे पहले देख लीजिए कि कौन से रीजन इस तीनों से बाउंडेड है। तो सबसे पहले अपने क्या कीजिए, ग्राफ बना लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ बनाने आ रहा होगा, मैं इतना मानकर चलता हूं। तो ये अपने के पास क्या आ गया, वाई एक्सिस, और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो एक्स एक्सिस बराबर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने के पास सीधा कर ले। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास कौन सा, एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस बराबर। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि ये ग्राफ बनाइए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ मैं मान चलता हूँ कि आपको बनाने आ रहा होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब क्या करा, वाई इक्वल टू एक्स लाइन भी बनाइए। तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन अपने के पास कैसा होता है, ये तो मैं मान चलता हूँ कि आपको आता होगा। तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन जो कि ओरिजिन से होकर के पास होता है, कहाँ से होकर के पास होगा, अब इसी से बात है कि ओरिजिन से होकर के पास होगा, इसको ओरिजिन से पास करा देते हैं। ठीक है, पास करा सकते हैं उसको ओरिजिन से, तो ओरिजिन से होकर के ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन पास हो गया। अब अपने के पास क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू 2 लाइन। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये अपने के पास कट कहाँ पे कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर अपने के पास पता चल जाएगा तो ये अपने के पास वाई इक्वल टू एक्स लाइन है और ये अपने के पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के बराबर है। यानी ये जो पॉइंट है ना, y इक्वल टू सेम है अपने के पास, जो y कोऑर्डिनेट होगा वही अपने के पास x कोऑर्डिनेट, तो ये जो पॉइंट होंगे 8.8 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 लाइन, तो ये अपने के पास ये जो पॉइंट है वो अपने के पास किसके बराबर है, यहाँ पर अगर आप पॉइंट ई करते हैं तो ये जो पॉइंट है वो अपने के पास किसके बराबर है, x इक्वल टू 8 वाला, और x इक्वल टू 2 लाइन अपने के पास कहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा, तो अब इसी से बात है कि x इक्वल टू 2 लाइन अपने के पास यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बराबर। हाँ आना ये बताइए, तो ये अपने के पास ये जो लाइन हो जाएंगे वो अपने के पास x इक्वल टू 2 लाइन हो जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें हमारे साथ जो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो x इक्वल टू 2 लाइन अपने के पास, इसको थोड़ा सा सीधा कर ले। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 लाइन अपने के पास ये वाले हो गए। अब अपने के पास इसमें लार्जर एरिया कौन सा दिख रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो लार्जर एरिया अपने के पास ये वाले हैं। हाँ या ना, इसमें बताने की जरूरत है कि लार्जर एरिया ये है या वो वाले, और वो भी करा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अपने पास दो, एक ये वाले रीजन बाउंड हो रहे हैं और एक अपने पास ये वाले रीजन बाउंड हो रहे हैं, तो ये अपने पास स्मॉलर रीजन है और ये अपने पास लार्जर रीजन है, देखने ही से पता चल जाएगा। अगर x इक्वल टू 2 आप यहाँ पर बनाए तो वो अलग बात है, आप तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो ले सकते हैं, यहाँ पर जब 8 है तो ये अपने पास 2 के बराबर है, 8 आया कहाँ से। ठीक है, हम ऐसे बता दिए, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से y का वैल्यू x की जगह रिप्लेस कर दे, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 8x के बराबर। x अपन कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर, तो x इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी तो अपने पास 8 आ जाएंगे, तो 0 तो अपने पास यहाँ पर कट कर गया, 8 अपने पास यहाँ पर कट करेगा बराबर। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास रीजन, इस रीजन का एरिया किसके बराबर बोल रखा है, तो वो अल्फा के बराबर बोल रखा है। ठीक है, अल्फा के बराबर, तो अपने पास 3 अल्फा निकालना है। बताइए ये रीजन अपने पास क्या है, अल्फा के बराबर, ये ग्रीन कलर से ये रीजन है अल्फा के बराबर, तो अल्फा अपने के पास कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 8 तक, और इसको अपने के पास क्या कीजिए, एक्स में अकेला कर लीजिए, कर सकते हैं अकेला, तो यहाँ से अगर एक्स को अकेला करते हैं तो ये वाई गोल्ड किसके बराबर आ जाएंगे, वाई को अकेला कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के बराबर, यही हो जाएंगे, और इसको वाई को अकेला, तो ये वाई तो ऑलरेडी अकेला है। ठीक है, तो यहाँ से आपने सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 8 बराबर, और अपने के पास अपर करो माइनस लोअर करो, अपर कर्व है अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 8x के बराबर, यानी इसको अपने के पास क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x के बराबर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर और माइनस टाइम्स लोअर कर्व अपने के पास किसके बराबर है, तो लोअर कर्व y इक्वल टू x लाइन है, तो यह आ गया अपने के पास किसके बराबर, x के बराबर, और इनटू में अपने के पास आ जाएंगे dx के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसको अपने के पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कर लीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, तो यह आगे अपने के पास 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इंटू एक्स की पावर में अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे, 3/2, और अपॉन में 3/2 लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर 2/3 लिख दिए, लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना, अपॉन में यहाँ पर अपने के पास 3/2 लिखेंगे, यही हम यहाँ पर उसको उल्टा करके यहाँ पर लिख दिए बराबर। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्किप करना सीखिए,
और माइनस टाइम सबलिंगस किसके और आ जाएगा, यानी तो लिमिट लगा दीजिए यहां पर, इसका अलग लिमिट उसका अलग लिमिट लगा दीजिए, 2 से लेकर के हमारे पास 8 तक, और माइनस टाइम से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 से लेकर के हमारे पास 8 तक। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं काफी ज्यादा इजी, जैसे इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए ना इसको, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 के बराबर, और मल्टीप्लायर में जैसे इसमें 8 डालेंगे तो 8 का अपने के पास 8 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा 8 अगर इसमें डालते हैं तो अपने के पास थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो 8 अगर डालेंगे तो ये आ गया अपने के पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इन पूरे का होल क्यू आ जाएंगे बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम इनको सॉल्व कीजिए, माइनस टाइम से आ गया अपने के पास 2, यानी तो अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करें कुछ तो दिक्कत, या माइनस 4 ये अपने पास कॉन्स्टेंट, ये पूरे कॉन्स्टेंट है अपने पास बाहर ले आइए, तो ये आगे इसमें डालेंगे तो ये आगे अपने पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया 8 64 तो 64/2, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2 4 4/2, और ये अपने के पास ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर माइनस है। ठीक है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अपॉन में 3 और मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2 4 8, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर 2√2 के बराबर बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर 2√2 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 64 में से 4 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर, यानी तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए ना, तो ये आ गया अपने पास 2 3 6 और 2 3 4 32 2 64 2 3 4 32 में से 2 जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 30 के बराबर, आया ना। अब यहां से सॉल्व कीजिए, ये आ गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अपॉन में 3 और मल्टीप्लाइड बाय 8 में से 2 जाएगा 6, यही आ जाएंगे ना 8, अच्छा 8, तो ये आ गया अपने पास 7 × 2√2 गलती हो रहा है क्या, 8 × 2 16 में से अगर 2 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे पता है, 16 में से 2 जाएगा तो अपने पास 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर हो जाएंगे बराबर, और माइनस टाइम्स 30 के बराबर ये है, ये हो जाएंगे ना 8 × 2 16 ऐसे सॉल्व किया 8 × 2 16 16 में से 2 जाएगा तो अपने पास 14 बच जाएंगे बराबर, सही है। तो ये आ गया अपने पास, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, तो 14 और 4 को मल्टीप्लाई किया 14 4 56 14 2 28 2 56 और ये √2√2 को गुना कीजिए, तो 56 2 को गुना कीजिए 6 2 12 5 2 10 1 11 ये आ गया 112 और अपॉन में 3 और माइनस टाइम्स 30 के बराबर, ये 2 1 3 1 4 कैंसिल आउट नहीं हो रहे। ठीक है, तो अपने पास क्या है माइनस टाइम्स 30, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 112 माइनस टाइम्स 30 दिया 90 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे तो 3 के बराबर, सॉल्व कीजिए 112 में से 90 जाएगा तो अपने पास 22 बच जाएंगे और अपॉन में 3 के बराबर, यानी अल्फा का जो वैल्यू आ गया अपने पास किसके बराबर जाएंगे 22/3 के बराबर, लेकिन रिक्वायर्ड आंसर ये नहीं है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है अपने के पास, रिक्वायर्ड जो आंसर है ना वो अपने पास 3α के बराबर है, बताएं 3α किस बराबर जाएगा तो 3 × 22/3 के बराबर, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 22 के बराबर हो जाएंगे बराबर, तो यही कह रहा है अल्फा निकाल लीजिए, उसके बाद आपने के पास 3α पूछ रखा है, तो 3α अपने पास किसके बराबर जाएंगे देख लीजिए तो 22 के बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 20 ये जो आपने पास क्वेश्चन है जेई मेंस के 30 जनवरी 2023 के सिर्फ फर्स्ट ईयर क्वेश्चन का 22 आंसर आ गया। तो बस मैं इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।